अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है और आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा सन टैन की प्रॉब्लम है, तो एक बार इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करें। आपकी सूखी सूखी बेजान त्वचा के लिए ये फेस पैक बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको बनाना है सिंपल ही से चीज़ों से। इसके लिए हमें लेना है व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूँ का आटा 2 चम्मच, 1 चम्मच हमें लेना है ग्राम फ्लावर यानी कि चने का आटा या बेसन। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर 2 चम्मच के करीब यहाँ पर चंदन पाउडर। चंदन पाउडर हमारी स्किन की बहुत ज़रूरी रहता है। मैंने इस चम्मच से जो छोटी चम्मच होती उससे मैंने 2 चम्मच लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है थोड़ी सी हल्दी, जो कि बहुत ही इंग्रेडिएंट होता है आपकी स्किन की जो डलनेस होती है उनको उसको हटाने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पर बादाम का तेल भी ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गुलाब जल भी लेना है यहाँ पर, ताकि हमारा एक अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इस फेस पैक को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस फेस पैक आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। आपकी स्किन पर जो डलनेस होती है, सनटैन की प्रॉब्लम होती है, वो दूर हो जाएगी और जितने भी धूप के निशान होते हैं ना, वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। बस इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या होता है, आपको अच्छे से इसको मैश कर लेना है, यानी कि मिला लेना है इसको। अप्लाई करने के लिए आपको अपर डायरेक्शन में अपने हाथों से अप्लाई करना है, ताकि हमारी स्किन पर कुछ भी क्रैक ना हो। तो इस तरह से इसको अप्लाई कर लेना है, अपने पूरे फेस पैक को अच्छे से अप्लाई कर लेना और एक मोटी परत आपकी स्किन पर जमा लेना, जिससे कि हमारी स्किन पर जितने भी डलने से इम्प्योरिटी है या जितने भी हमारे धूप के निशान हैं हमारे चेहरे पर, वो पूरी तरह से इससे हट जाएंगे। आप इसको, इस रेमेडी को आप अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं और पर डे भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसको हाफ ड्राई होने देना है। हाफ ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा ये। उसके बाद क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों से इसको रफ करना स्टार्ट करेंगे। याद रखना कि आपको ज़्यादा ही रफ नहीं करना है, बस थोड़े हल्के हाथों से करना है, जिससे कि आसानी से फेस पैक निकल के तय हो जाएगा। देखिए, एक आसानी से पूरी तरह से निकल गया है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल मिलाया तो पूरी तरह से निकल जाएगा और जितने भी आपकी स्किन पर इम्प्योरिटी होगी वो पूरी तरह से निकल जाएगी और आपकी स्किन पर ग्लोइंग नज़र आएगी और साथ ही साथ आपकी स्किन पर जो सनटैन है वो प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस फेस पैक को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू, बाय बाय।